हाँ हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, कल अपने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, और आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड गैस स्टेट और पंच नंबर केमिस्ट्री पंच अपना 9। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गैस विल ग्रेटली डेविएटेड फ्रॉम हेनरी लॉ इन वाटर। तो देखो बच्चों, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकेंड लिमिटेशन से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, और थर्ड लिमिटेशन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन में देखो, जो लास्ट वाली लिमिटेशंस है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो इसके अंदर H2 गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। अगेन नाइट्रोजन गैस है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। थर्ड है मैथेन गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो CO2 गैस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है, तो वी नो दैट CO2 गैस इज मोर डेविएटेड देन द अदर गैसेस। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। कौन सी गैस है वो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की सबसे कम वैल्यू रखती है? तो देखो जो गैसें हैं, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट क्या है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस की सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सोलिबिलिटी किसकी फॉर्म में लेंगे अपन? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन फॉर्म ऑफ सोलिबिलिटी। के एच यहां पे क्या है? हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। तो ये है हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट के एच इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूं? पी गैस अपॉन एक्स गैस, और एक्स गैस क्या है? सोलिबिलिटी। तो देखो जिस गैस की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी उस गैस का हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट क्या होगा? सबसे कम होगा। और तो देखो किस गैस की सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो देखो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? नॉन पोलर गैस है, और CO2 है वो गैस के इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगी? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगी। तो जो गैस है वाटर इसका इजीली रिएक्ट कर लेती हैं या उसके साथ आसानी से आयनाइज हो जाते हैं, उन गैसों की सोलिबिलिटी है वो बाकी गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा होगी। तो CO2 गैस की सोलिबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा होगी जबकि बाकी गैसों की सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, 1 ml ऑफ NHCl, NHCl का मतलब यहां पे नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है? 1 N दे रखी है, कॉमा 20 ml ऑफ N/2 H2SO4 एंड 30 ml ऑफ N/3 HNO3 आर मिक्स टूगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 L, द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखो आप सबसे पहले क्या देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सभी के सभी क्या दे रखे हैं आपको? एसिड्स दे रखे हैं, और इन एसिडों को मिक्स करने के बाद में आप क्या करोगे? जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपको कितना बना दिया गया है? 1 L बना दिया गया है। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे? तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3।
क्योंकि ये सेम नेचर के लिए, इसलिए बीच में साइन क्या लिया आपने, प्लस का। अगर डिफरेंट नेचर के होते, एक एसिड होता दूसरा बेस होता, तो एक दूसरे को क्या करते, न्यूट्रलाइज करते, तो साइन बीच में क्या लेते अपन, माइनस। तो लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि सभी सेम नेचर के हैं, सभी के सभी एसिड है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, एन आर इक्वल टू एन वन कितना है 1N, वॉल्यूम कितना है 5 ml, तो 1 × 5 प्लस दूसरा एसिड है H2SO4 जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/2, वॉल्यूम कितना है 20 प्लस तीसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/3 और वॉल्यूम कितना है 30 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम देखो कितना बना दिया गया है, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दिया गया है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 ml। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट कर दो 10, तो ये कितना आ जाएगा 25/1000। तो 25 × 1000 में कितने टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1/40। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40.1 m सॉल्यूशन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल फॉलो द ऑर्डर। देखो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, सभी कंसंट्रेशन के और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के। तो देखो इस क्वेश्चन में सभी की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको, सेम दे रखी है, ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, Na2SO4, Na3PO4, लेकिन आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू 1 n − 1 α। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन है नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट, एन है नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं अपन प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट का, तो पहले NaCl का निकालेंगे, तो NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + N की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे N है नंबर ऑफ आयंस, तो NaCl में 2 आयन होंगे Na+ और Cl-, तो 2 − 1 × α। देखो अल्फा क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं गिवन है, तो आप अल्फा 100% मान सकते हैं, और ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके लिए अल्फा क्या होता है 100% होता है। तो अल्फा को आप 100% मान लो, तो 100/100, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ आयंस है वो इसका क्या हो जाएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4, तो इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या होगा 1 + 3 − 1 × अल्फा 100%, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी होगी 3। थर्ड है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो आई इक्वल टू क्या हो गया 1 + n, n नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इसके अंदर, 3 सोडियम के आयन और 1 फॉस्फेट का आयन, तो Na3PO4 को आप आयनाइज करोगे, तो 3 Na+ + PO4 − 3, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 3। तो ये तो आपको सबको निकालने आते हैं, तो 1 + टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 होंगे इसमें, तो 1 + 4 − 1 × अल्फा कितना है 100%, तो 100/100, तो कितना आ गया 4। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही किसकी वैल्यू होगी, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा आई किसके है, ये मोलरिटी तो क्या है सेम है, और जिसका आई ज़्यादा होगा, जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई ज़्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा Na3PO4 का, उसके बाद में Na2SO4 का, और सबसे कम क्या है NaCl का। तो देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। हाँ बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट। देखो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि आप सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और एक दूसरा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, यानी एक्स ए आपके पास कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ Hg। तो देखो इसके अंदर पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट, रिलेटिव रोलिंग प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी नॉट माइनस का पी एस प्रोपोर्शनल एक्स ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल की जगह क्या कर दिया, पी नॉट को रिप्लेस करके यहाँ पे प्रोपोर्शनल कर दिया। तो पी नॉट माइनस का पी एस क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस का 10 प्रोपोर्शनल एक्स ए, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को उठाओगे तो पी नॉट इन टू मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2। अगेन आगे क्या किया है, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ Hg। तो इसमें क्या होगा, आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। अब की बार प्रेशर कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 20 mm ऑफ Hg से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस की जगह क्या लिखोगे, पी नॉट माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, अब आपको मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए डे से, ठीक है, पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए डेस, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 20 इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे, पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2 और नीचे क्या है, एक्स ए डेस, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन, इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो एक्स ए डेस क्या आएगा, 0.4, 2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सेकंड सॉल्यूशन, जबकि आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, विलायक की मोल फ्रैक्शन पूछिए, तो विलायक की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वी नो दैट सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अगर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 0.4, तो कितनी हो जाएगी, 0.6। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इफ एक्स ए रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है बी। ए कंपोनेंट की लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी कंपोनेंट की लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एक्स बी, और इसका प्रेशर क्या है, पी ए, और इसका प्रेशर क्या होगा, पी बी। और जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनल साइन को उठाने के लिए आप एक कॉन्स्टेंट यूज करोगे, वो क्या है, पी नोड ए एक्स ए पी बी इज इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल कुछ ऐसा हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। लेकिन इसकी फॉर्म में देखो आपको आंसर नहीं दे रखा, ऐसा कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। पी टोटल है जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हो, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। तो आपको एक्स ए की फॉर्म में आपको निकालना है। तो वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। तो आप एक्स बी को रिप्लेस कर दो, किससे करोगे, वन माइनस का एक्स ए से, एक्स ए को आप उधर लेके जाओ। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे आप, वन माइनस का एक्स ए। अब इसको आप रिप्लेस कर दो तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी माइनस पी नोड बी एक्स ई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स ए को कॉमन ले लो, पी नोड बी को आगे लेके आ जाओ, तो पी नोड बी प्लस पी नोड ए माइनस पी नोड बी एक्स ई, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी बी प्लस पी नोड ए माइनस का पी नोड बी, पी बी प्लस पी नोड ए माइनस पी नोड बी इन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर। देखो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इंटू मोलरिटी या मोलरिटी कंसंट्रेशन पे। तो देखो मोलरिटी सबकी सेम है, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी दे नहीं रखी है, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना। तो यूरिया के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज नहीं होता है। ग्लूकोज के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इन सब के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जिसका आई ज्यादा होगा, एम क्या है यहाँ पे, सेम है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, आई किसका ज्यादा है, इसका आई कितना होगा, अभी आपको बताया था मैंने कि अगर आपको अल्फा नहीं दे रखा है तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन के। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 होंगे, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए आई बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ आयंस कितने, ये आयोनाइज होगा बी ए प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, एन इज इक्वल टू 3। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंसंट्रेशन सेम है, आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.125 द मोलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन की आपको क्या पूछिए, मोलिटी। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो प्योर सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिक्स कर देते हो तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसको तो बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.0125, तो ये हो जाएगा 0.125 इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
अब आपको मोलिलिटी पूछिए तो आपको पता है एक रिलेशन होता है मोल कॉन्सेप्ट ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोलिलिटी के अंदर, तो उससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 एक्स ए अपॉन 1 माइनस का एक्स ए इंटू एम बी। एम बी यहां पे क्या है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम बी क्या होगा यहां पे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो आपके पास मोल फ्रैक्शन है 0.0125, तो मोलिलिटी आप निकाल सकते हो, मोलिलिटी इज इक्वल टू 0.0125 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.0125 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे क्या लोगे आप, वाटर, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट आप यहां पे क्या पुट करोगे, 18 पुट करोगे। तो मोलिलिटी को आप सोल्व करोगे तो इसकी मोलिलिटी आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.60। जब इसको सोल्व करोगे आप तो मोलिलिटी क्या आ जाएगी, 0.60। तो इसको सोल्व करोगे तो मोलिलिटी 0.60 की जगह 0.70 आएगा, थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल दैट मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज लोवर्ड बाई 10%। यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप मिक्स करते हो तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 10% से डिक्रीज हो जाता है। तो वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आर एल वी पी, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन को आप क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एन बी यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, तो एन बी है वो बहुत ज्यादा है किससे, एन ए से। तो मैं इसको आप सिंप्लीफाई करूं, ये कितना दे रखा आपको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा आपको 10% से डिक्रीज है, तो 10/100% को आप एक साथ पुट कर दो, एन ए, एन ए को आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और इनकी जगह आप क्या लिखोगे, एन बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किससे, एन ए से। तो एन बी क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो एन बी को आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एम बी क्या हो जाएगा, ऊपर। तो डब्ल्यू ए आपसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जबकि सोल्यूट का आपको मोलिकुलर मास आपको दे रखा है 60, तो डब्ल्यू ए आपको कैलकुलेट करना, डब्ल्यू ए अपॉन कितना हो जाएगा 60, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 180 ग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 180 इंटू, हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 10% से क्या हो जाता है डिक्रीज, तो 10/100, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली बराबर होगा, और एक्स ए को आप क्या लिख सकते हो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। डायल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, सोलवेंट के मोल बहुत ज्यादा होंगे किससे, सोल्यूट से, तो आप नीचे क्या पुट करोगे, इन दोनों की जगह एन ए प्लस एन बी की जगह आप एन बी पुट करोगे। अब मैंने देखो इसको वेट की फॉर्म में लिख लिया, मोल ऑफ सोल्यूट का क्या लिख लिया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी को क्या लिख लिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 18 से 18 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, ये जो 10 है वो 6 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 एमएम ऑफ एचजी एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज 100 एमएम ऑफ एचजी।
इफ ए मिक्सर ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 180 प्रेशर. देखो 180 प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है 760 mm ऑफ Hg. तो आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, एक की अमाउंट पूछी है किसकी फॉर्म में, मोल परसेंटेज की फॉर्म, यानी आपको क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए. तो देखो अभी अपन ने इसको डिस्कस किया था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. अब एक्स ए की फॉर्म में आपको इसको लिखना है, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. को अभी लिखाया था मैंने, बताया था आपको वन माइनस किसके इक्वल होता है एक्स ए के, तो एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए पुट कर दिया, तो पी टोटल कितना हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस का पी नॉट बी एक्स ए. तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी एक्स ए. यानी आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन आपको निकालने, पी टोटल कितना दे रखा है, तो पी टोटल दे रखा है एक एटीएम यानी कि 760 mm ऑफ एच जी. ये आपको टोटल प्रेशर दे रखा है. और क्वेश्चन में पी नॉट ए देख लेते, प्योर लिक्विड फेज के अंदर क्या होगा, पी नॉट ए 520 mm ऑफ एच जी, पी नॉट बी क्या हो जाएगा 100,000 mm ऑफ एच जी. तो अब आपको क्या करना है, एक्स ए निकालना है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, पी टोटल कितना है 760 पी नॉट कितना हो जाएगा 1000 प्लस पी नॉट ए कितना है 520 माइनस का पी नॉट बी कितना है 1000 इंटू एक्स ए. तो देखो इसको इसमें से माइनस करोगे आप, 760 में से माइनस करोगे 1000 को, तो ये कितना आएगा माइनस का 240 इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 480 एक्स ए. देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 240 का 480 में कितने टाइम्स जाएगा, टू टाइम्स. तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5. अगर परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 50%, यानी कि ए जो कंपोनेंट है वो कितना परसेंट है 50% प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई इज 550 mm ऑफ एच जी. यानी दो लिक्विड एक्स और वाई है जिनका टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है 550 mm ऑफ एच जी, और मोल कितने दे रखे हैं. देखो एक्स ए की मोल दे रखे हैं एन एक्स कितना दे रखा है 1 मोल, और वाई जो कंपोनेंट है उसके मोल कितने दे रखे हैं 3 मोल दे रखे. ओके एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में लिख लेता हूं, इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm ऑफ mg. यानी कि अगर आप 1 मोल किसका मिलाओ वाई का मिलाओ, तो जो टोटल प्रेशर है वो 10 mm ऑफ hg से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. तो पी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 mm ऑफ hg. एक्स के मोल कितने हैं, एक्स के मोल तो उतने ही है 1 मोल, और वाई के मोल कितने हो गए 4 मोल. ये दो कंडीशन बन गई, एक कंडीशन फर्स्ट है और एक कंडीशन सेकंड है. अब आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी कैलकुलेट करना है, यानी प्योर फेज की फॉर्म में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. इसमें पुट कर दो आप, तो इक्वेशन क्या बनेगी 550
टोटल प्रेशर, पी नोड ए जो आपको कैलकुलेट करना है, एक्स ए यहाँ पे क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एक्स ए की जगह क्या पुट करोगे, वन, तो वन ए के मोल कितना है वन, और टोटल एन ए प्लस एन बी ये कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, तो ये कितना हो जाएगा वन बाई फोर, तो पी नोड ए इंटू क्या हो जाएगा वन बाई फोर प्लस पी नोड बी, एक्स बी कितना हो जाएगा, तो एक्स बी निकाल लो आप, बी के मोल कितने तीन और टोटल मोल कितने हो जाएंगे चार, तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, एक इक्वेशन क्या होगी ये बन गई। अब देखो सेकंड में क्या किया है, क्वेश्चन में दे रखा था कि 10 mm ऑफ एच जी से प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 560, जब वाई का आप एक मोल ऐड करोगे, तो वाई के पहले कितने मोल थे तीन, मोल कितने हो गए चार, तो वेपर प्रेशर है वो 10 mm ऑफ एच जी से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो एक इक्वेशन और बनेगी 560, ये टोटल प्रेशर पुट करेंगे, पी नोड ए की जगह पी नोड ए पुट कर दिया इंटू एक्स ए क्या होगा, अब देखो एक्स ए क्या होगा वन अपॉन सीधा फाइव, अब तो कैलकुलेट करना आ गया होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या होगा फोर अपॉन फाइव, तो देखो बच्चों दो इक्वेशन बन जाएंगी और फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो पी नोड ए और पी नोड बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जीरो इक्वल टू पी नोड ए प्लस थ्री पी नोड बी, और इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन कितना हो जाएगा 2800 इक्वल टू पी नोड ए प्लस फोर पी नोड बी, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो आप, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है क्या आएगा, यहाँ लगभग कितना बचेगा 600, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी नोड बी कितना हो जाएगा 600, और 600 तो आप पी नोड ए निकाल लो, तो 2200 इक्वल टू पी नोड ए अपने को कैलकुलेट करना है प्लस 3 × 600, तो 3 × 600 कितना हो गया 1800, तो पी नोड ए कितना हो जाएगा 2200 में से आप 1800 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 400, ये आपके पास क्या आ जाएगा पी नोड ए, और ये क्या हो जाएगा पी नोड बी। अब देखो पी नोड ए तो कितना है आपके पास 400 और पी नोड बी कितना है 600, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग मेथेनॉल एंड एथेनॉल, इफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल आर 2.619 किलो पास्कल एंड 4.556 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली, द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर फेज में आपको क्या निकालनी है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो देखो लिक्विड फेज में तो क्या लगता है राउल्ट्स लॉ, और वेपर फेज में क्या लगेगा डाल्टन्स लॉ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे वैल्यू पुट कर लो, पी टोटल कितना हो जाएगा, ये तो किसका प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर है मेथेनॉल का, और ये किसका हो जाएगा एथेनॉल का, तो इन दोनों को आप क्या करोगे पी ए प्लस पी बी एड कर दो, तो क्या होगा 2.619 प्लस 4.556, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना हो गया 15, 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
फिर कितना हो जाएगा 7। तो ये वैल्यू आ गई 7.175 किलो पास के लिए क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, वेपर फेज के अंदर इन कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होगा, पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, और ये क्या है पी टोटल टोटल प्रेशर। तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए क्या है ए कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी टोटल। तो पी ए कितना दे रखा आपको 2.619 अपन पी टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया 7.175। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी लगभग वाई ए की, ए है कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। ऐसे आप क्या निकालोगे वाई बी यानी बी कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी टोटल प्रेशर हमेशा क्या रहेगा पी टोटल। तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। तो ये कितना हो जाएगा पी बी देर का आपको 4.556, तो 4.556 अपॉन पी टोटल कितना हो जाएगा 7.175। इनको आप क्या कर लो इनको सोल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू 0.365 की अप्रोक्सीमेटली आएगी। और बाकी क्या आ जाएगी वाई बी की, क्योंकि वी नो दैट क्या है वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपको अगर वाई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आपने तो वाई बी की भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस का वाई ए, और वाई ए क्या आ जाएगा 1 माइनस का 0.365, तो ये 0.6 के लमसम आएगा। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो 0.365 आ रही है आपके पास किसकी, मेथनॉल की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, और एथेनॉल की कितनी हो जाएगी 0.635। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो ये आपके कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव पी नोड ए इक्वल टू दे रखा आपको 1:2, पी नोड ए और पी नोड बी का रेशियो दे रखा है 1:2 एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन देर की देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यानी कि दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है का रेशियो दे रखा है एक्स ए और एक्स बी का रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये दे रखा है 1:2 और इनके वेपर फेज भी पार्शियल प्रेशर का रेशियो दे रखा है 1:2। तो आपको वेपर फेज में एक ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले आप पी टोटल निकालो, क्योंकि आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो आपको क्या चाहिए तो पी टोटल चाहिए। तो वाई ए ये ए कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नोड ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो आपको पी टोटल चाहिए, बाकी सब कुछ तो आपके पास आ जाएगा। तो पी टोटल कैसे निकालोगे आप, तो पी टोटल पी नोड ए, पी नोड ए कितना दे रखा है 1 और पी नोड बी कितना दे रखा है 2, एक्स ए कितना दे रखा है 1 और एक्स बी कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो पी नोड ए कितना है 1 इन टू, एक्स ए कितना आएगा 1 प्लस पी नोड बी कितना दे रखा है 2 इन टू, एक्स बी भी कितना होगा 2, तो पी टोटल कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो वेपर फेज में एक कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो वाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पी नोड ए, पी नोड ए कितना दे रखा है 1, एक्स ए कितना दे रखा है 1, पी टोटल कितना आएगा 5, यानी आपके पास वैल्यू आ गई 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हो आप 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 5 cm³ ऑफ एसीटोन इज एडेड टू 100 cm³ ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ओवर द सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा।
तो इट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ, क्वेश्चन को सबने पढ़ लिया होगा. तो देखो सबसे पहले डेल्टा एस मिक्स. तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जो रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के टर्म में, उसे आप क्या कहोगे, रॉबर्ट्स लॉ, जो शून्य के इक्वल नहीं होगा यानी जीरो के बराबर नहीं होगा. तो सबसे पहले अपन ऑप्शन से चेक करते हैं डेल्टा एस मिक्सचर. डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी. तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया. डेल्टा वी मिक्स. तो देखो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट के सॉल्यूशन के इक्वल होता है, कंपोनेंट के वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और आइडियल केस में क्या होता है, इक्वल होता है. नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. डेल्टा पी यानी ये भी क्या होगा, डेल्टा पी पी नॉट माइनस का पी एस. पी एस यहाँ पे क्या है, राउल्स का वेपर प्रेशर. ये भी क्या होगा इस केस में, इक्वल होगा. यानी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और राउल्स के द्वारा जो कैलकुलेट वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होगी क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. जबकि सॉल्यूट में क्या होगा, जैसे ए बी अपन ने क्या मान लिया, सॉल्यूशन है. सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ए ए, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बी बी. ठीक है, तो देखो जो एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगी, अगर वही एनर्जी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में रिलीज हो रही है, अगर दोनों एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो की वैल्यू किसके बराबर नहीं है. तो इसमें जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्या होगी, ये जीरो से ज्यादा होगी क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज जीरो से वन तक दे रखी है. जीरो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और एक के इक्वल या उससे छोटा का कोई कंपोनेंट एक है, तो सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी. तो देखो मैं कोई कंपोनेंट एक्स ए ले लेता हूं जिसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.4 सपोज करते हैं. तो दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा. अगर एक्स ए 0.4 दे रखा है तो एक्स बी कितना होगा, 0.6 होगा. ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो जीरो से वन के बीच में है, तो दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, जीरो से वन के बीच में होगी. तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन. एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो और एक के बीच में होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए 5.12% सॉल्यूशन ऑफ कैन सुगर इज आइसोटोनिक विथ 0.9% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. यानी कि आपको अननोन सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, और दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या होता है, आई सी आर टी. ये तो पाई किसका हो गया, कैन सुगर का, और ये पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी. ये पाई किसका हो गया, अननोन सॉल्यूशन का.
इट मीन्स आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा. तो पाई कैन सुगर इक्वल टू पाई अनॉन सॉल्यूशन. और पाई बराबर क्या होता है, आई सी आर टी. तो देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, कैन सुगर का वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वन, और अनॉन सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं दे रखा है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आप क्या लोगे, वन लोगे. तो इसकी कंसंट्रेशन में सी मान लेता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन सी टू मान लो, इसकी कंसंट्रेशन सी वन मान लो. और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, एन टू अपॉन वी. अब देखो क्वेश्चन की तरफ, 5.12% सोल्यूशन दे रहे, कुछ भी नहीं दे रखा तो आप इसको क्या लोगे, डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज लोगे. तो इसका मतलब क्या होता है, 5.12% मीन्स 5.12 ग्राम कैन सुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन और 0.9% अननोन सॉल्यूशन. तो 0.9% इसका मतलब क्या, 0.9 ग्राम कोई अननोन सॉल्यूट है जो किस में प्रेजेंट है, 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर. तो देखो ये चीज सेम होगी, और तो आप ये दोनों वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया. तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. तो n1 वन इक्वल टू आप क्या कर लोगे, n2. और n1 बराबर क्या लिखोगे आप, w1 वन अपॉन एम वन, और इधर w2 टू अपॉन एम टू. तो देखो w1 कितना दे रखा आपको, 5.12%. तो इसको आप क्या करो, एक बार मिटा दो, बोर्ड पे जगह नहीं है. तो ये है 5.12. एम वन कितना होगा, कैन सुगर का मोलिकुलर वेट C12 है, H22O11, और इसका मोलिकुलर वेट सबको याद होगा कितना होगा, 342. निकालना भी आता होगा, काफ़ी पॉपुलर है. तो 5.12 अपॉन 342 इक्वल टू W2. तो W2 आपको कितना दे रखा है, 0.9%. तो अभी लिखा था अपने 0.9 अपॉन M2. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो M2 इक्वल टू क्या आएगा, 342 इंटू 0.9 अपॉन 5. तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग कैलकुलेट कर लेना जो भी इसका आंसर आएगा. तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है. ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो इसको जब लगभग कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल NaCl सॉल्यूशन. तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 मोलल NaCl सॉल्यूशन, अज्यूम दैट NaCl टू बी 100% डिसोसिएट. NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ऑलरेडी क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है, जो आपको याद होना चाहिए. और इसमें मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है, 1.86. तो आपको क्या पूछा है, इसमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है. तो वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, I इंटू KF इंटू मोलिलिटी. ठीक है, मोलिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 1 मोलल. KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86. वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर 100% डिसोसिएट है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू के बराबर. N क्या है, नंबर ऑफ टोटल आयन. तो NaCl को आप डिसोसिएट करोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होंगे, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, 2. तो I की वैल्यू भी 2. तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1.86 × 1. इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड. ये डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी. और डेल्टा TF बराबर क्या होता है, यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा TF इक्वल टू होगा T0 F
माइनस का टीएफ, और टीनोड एफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का टीएफ, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो ये दे रखी है वो यहाँ पे आप पुट करोगे तो टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड, ये आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिडिक एसिड और सुक्रोज। कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है, आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है, आई सी आर टी। टेम्परेचर और आर से कोई मतलब नहीं है, जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, सेम दे रखिए, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के प्रोपोर्शनल होगा, आई की वैल्यू जो ज्यादा होगी उसके लिए पाई भी ज्यादा होगा। तो आई की वैल्यू 100% मान लेते हैं डिसोसिएशन, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी बताया था आई इक्वल टू एन। देखो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3, सबको निकालने आते हैं, बी ए सी एल टू को आप डिसोसिएट करोगे तो बी ए प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस एन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, ये क्या है, देखो इसमें इसमें डिफरेंस है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल्फा कितना होता है, 100% होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, एल्फा 100% से कम होता है। तो इसके लिए एल्फा अगर 100% है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और इसके लिए एल्फा क्या होगा, 100% से कम होगा, तो इसके लिए एल्फा की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हो आप एल्फा की, और सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, तो ये अपना मान लेता हूं 1.5। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसका ज्यादा होगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा, तो देखो इसका आई 3 है, इसका आई 2 है, इसका आई क्या है, 1 और 2 के बीच में है, सुक्रोज का आई 1 है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यही ऑर्डर होगा, 3, 2, 1.5 और 1। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखो आप, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू एम आर टी, वेयर एम इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एकदम सही स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पीएस, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। तो देखो तीन स्टेटमेंट आपने चेक कर लिए, तो चौथा ऑप्शन तो एग्जैक्टली सही हो गया ही होगा, मतलब तीन सही है तो फोर्थ गलत हो गया होगा, सॉरी। चलो देख लेते हैं, टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो ये लाइन यहां पे देखो, इन डिफरेंट सॉल्वेंट, तो देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी। दो सॉल्यूशन का अगर मोलिटी सेम है कोई दिक्कत नहीं, तो सुक्रोज के सॉल्यूशन है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट ले रखे हैं डिफरेंट सॉल्वेंट, तो उनके लिए के एफ क्या होगा, सेम है नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो डेल्टा टी एफ भी सेम नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिमांक में अनुमन समान नहीं हो सकता, सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए के एफ क्या है, अलग अलग आएगा, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, तो फोर्थ ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है, असत्य खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अभी वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई निकाला था, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस
एन माइनस वन एल्फा। एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ भी नहीं दे रखा है तो 100%। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल्फा क्या होगा? 100% होगा। तो एल्फा की वैल्यू क्या होगी? 100%। और जब एल्फा 100% है तो मैंने बताया था आई इज्कवल टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं आई इज्कवल टू क्या होगा? 1 प्लस एन। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ आयंस। तो Na2SO4 में कितने आयन होंगे? ये डिसोसिएट होगा 2Na+ SO4-2। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3-1 इंटू एल्फा कितना है? 100/100। तो मोमेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, एल्फा इसमें एल्फा की फॉर्म में दे रखा है अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं, एल्फा की फॉर्म में दे रखा है तो एल्फा ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? एल्फा पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1+2 एल्फा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे बच्चों अपन एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करते जा रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट इसमें सॉल्यूशन और गेस स्टेट का दे रखे हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर उसको खुद से करें, नहीं है तो आप सॉल्यूशन देखें। अमोनिया अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। वेयर स्टैंड्स फॉर अमोनिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड अमोनिया। द बॉइलिंग पॉइंट एट 760 टॉर इज ऑब्जर्व एज -32.7°C नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। वॉट कंक्लूजन इज रीच्ड अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, आपको अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के अंदर क्या गया है? डिजोल्व किया गया है। तो आसानी से अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा और क्या होगा? आयंस देगा। तो ये अमोनिया क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, वो लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होके क्या देगा? NH4+ Cl- देगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखो। अमोनियम क्लोराइड इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन अमोनिया, यानी अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड अमोनिया में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और कौन सा आयन देता है? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। सेकंड क्या है? अमोनियम क्लोराइड इज पार्शली डिसोसिएट इन अमोनिया, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड, अमोनियम क्लोराइड इज नॉट डिसोसिएशन इन NH3, ये भी गलत है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट रेज, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द चेंज ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीजिंग 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर एट 0°C। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, 0.01 मोलल सोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन वाटर हेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यानी आपको क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन दे रखा है 0.0054। तो डेल्टा TF दे रखा है 0.0054। पहले तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन आप पुट कर लो। कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको PT, अमोनिया, यहाँ पे लिगेंड है अमोनिया और क्लोरीन NH3 4। ठीक है, अब आपको पूछा है कि कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला आप किससे निकालोगे? नंबर ऑफ आयन से। तो सबसे पहले आप वोंट ऑफ फैक्टर आई निकालो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू KF इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा TF आपको दे रखा है कितना है? 0.0054। तो ये 0.0054 वोंट ऑफ फैक्टर आई, तो I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, जो I किसके बराबर होगा? N के बराबर, और N ही आपको क्वेश्चन पूछा है। और KF कितना है? 1.80, और मोलेलिटी कितनी दे रही कि आपको? 0.001। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो I की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 3 के अकॉर्डिंग आएगी। तो I बराबर 3 है, इट मीन्स N बराबर भी क्या होगा? 3। अब देखो लो, कौन से ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस 3 आपको मिल रहे हैं? तो देखो,
इस ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? दो होंगे। इसका मतलब पहला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, इसको आप क्या करो, आयनाइज करो। तो इसको आयनाइज करोगे तो पीटी अमोनिया फॉर सीएल टू, यहां पे चार्ज क्या आएगा, प्लस टू सीएल माइनस है। तो देखो क्लोराइड के दो आयन है और एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? तीन। तो देखो नंबर ऑफ आयंस तीन, आपके जब क्वेश्चन सोल्व किया उसमें भी नंबर ऑफ आयंस तीन है और इस कॉम्प्लेक्स में भी नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? तीन। तो सेकंड ऑप्शन गलत, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? तीन तो क्लोराइड का आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? चार, जबकि अपने को तो तीन चाहिए। थर्ड भी गलत, और इसमें क्या होगा, एन इक्वल टू जीरो। तो फोर्थ भी क्या हो गया, गलत। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, द एजियोटॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 85 डिग्री सेल्सियस, बॉयल एट 108.5 डिग्री सेल्सियस, व्हेन दिस मिक्सचर इज डिस्टिल इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन। अब देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, एजियोटॉपिक मिक्सचर, व्हाट इज द मीन अबाउट द एजियोटॉपिक मिक्सचर। तो एजियोटॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका फिक्स या कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोटॉपिक मिक्सचर को, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी नहीं कर सकते। जबकि अब इसमें अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन देखो, Neither HCl nor H2 in their pure state, शुद्ध अवस्था में न तो HCl और न H2O, आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एजियोटॉपिक मिक्सचर होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द सोलबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.0×10^5। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। द नंबर ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजोल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। हिंदी में पढ़ो आप एक बार, N2 गैस की जल में घुलनशीलता के लिए हेनरी नियम स्थिरांक का मान 298 केल्विन पर 1.0 वायु में N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपको प्रेशर दे रखा है, तो हेनरी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ तो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, KH इंटू एक्स गैस, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोलिबिलिटी फॉर्म। ओके, तो देखो गैस की मोल फ्रैक्शन आपको कितनी दे रखी है, 0.8 दे रखी है, और गैस का प्रेशर कितना दे रखा है, 1×10^5। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, यहां से आप हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, इधर का 1.0×10^5 इक्वल टू KH इंटू गैस की मोल फ्रैक्शन आपको कितनी दे रखी है, 0.8। तो KH इक्वल टू क्या होगा, 1×10^5 अपॉन 0.8। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, KH की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपको क्या पूछा है, 10 मोल जल में 298 केल्विन और 5 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर वायु में उपस्थित N2 की मोलू की संख्या आपको निकालनी है। तो आप निकाल लो मोलू की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पी गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर मोलू की संख्या आ जाएगी। तो देखो गैस का प्रेशर आपको कितना दे रखा है, गैस का प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5 atm, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 5। KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1×10^5 अपॉन 0.8 इंटू एक्स गैस, ये गैस की मोल फ्रैक्शन है। तो एक्स गैस कितना आ जाएगा, एक्स गैस आ जाएगा 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4×10^-5। मैं सीधा लिख देता हूँ,
ये तो पर मोल है, आपको क्या पूछा है 10 मोल में पूछा है, तो 1 मोल में एन टू के मोल कितने, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, तो 10 मोल में कितने होंगे, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन 4 इंटू 10 की पावर, इसकी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड एम एंड एन आर 450 एंड 750 mm ऑफ Hg। तो देखो इस क्वेश्चन को आप यहां तक पढ़ो, दो लिक्विड सॉल्यूशन दे रखे हैं M और N, और इनका आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड का, तो P नोड M लिख देता हूं मैं, कितना होगा 450, और P नोड N कितना होगा 700 mm ऑफ Hg एट द सेम टेम्परेचर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज XM क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन, XN है मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन सॉल्यूशन, YM के मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज, तो मैं वेपर फेज में इनकी मोल फ्रैक्शन लिख लेता हूं, तो YN क्या होगा, YN इज इक्वल टू, YN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नोड M XM अपॉन P टोटल। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, Y N निकाल सकते हो, ये तो आपने M निकाला है, वाई एन क्या हो जाएगा P नोड N XN अपॉन P टोटल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, YM इसके अंदर इसको डिवाइड करो आप, तो देखो क्या आएगा, वाई एम अपॉन वाई एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे पी टोटल, पी टोटल से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर क्या आएगा पी नोड एम एक्स एम अपॉन नीचे क्या आएगा पी नोड एन एक्स एन। तो देखो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, पी नोड एम और पी नोड एन की वैल्यू दे रखी है, ये पुट कर लो आप, पी नोड एम कितना दे रखा है 450 और पी नोड एन कितना दे रखा है 700 इंटू ये एक्स एम और नीचे ये क्या हो जाएगा एक्स एन। अब देखो इनमें कंपेयर करो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, क्यों, क्योंकि 700 अपॉन 450 सॉरी ये वैल्यू ज़्यादा होगी इधर वाली, ये हो जाएगा वाई एम अपॉन वाई एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एम अपॉन एक्स एन। तो देखो ये इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक्स एम अपॉन एक्स एन आएगा, तो एक्स एम अपॉन एक्स एन क्या होगा ज़्यादा होगा किससे, वाई एम अपॉन वाई एन से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मैन के अंदर भी आ चुका है लास्ट ईयर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm ऑफ Hg, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है P नॉड माइनस का Ps। अगर प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसे आप क्या कहोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो P नॉड माइनस का Ps इज इक्वल टू, इसके नीचे P नॉड लिख देते हो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स ए के, तो ये किसके इक्वल होगा एक्स ए के।
और अपन नॉर्मली क्या लेते हैं, डायल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो अक्षय को क्या लिख दोगे आप, एन ए अपॉन एन बी। तो एन ए निकाल लो आप कितना है, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 0.60 अपॉन 60, और नीचे कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 18। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और पीनोड आपको क्या दे रहेगा, पीनोड है शुद्ध जल का वाष्प दाब, जो कितना होगा 35। तो पीनोड माइनस का पीएस, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/100, और इसका इसमें कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा, पी नोड माइनस का पी एस अपॉन पी नोड कितना है, 35, और ये हो जाएगा 200 × 100 × 35, आप ऊपर पुट कर दो तो ये हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 0.0175 आएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी व्हिच इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, द रेशियो ऑफ इलेवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लिख सकते हो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी बी ए इज इक्वल टू, आई तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1, तो आई को लिखने की जरूरत नहीं है। मोलिलिटी भी सेम होगी क्योंकि सेम सोल्यूट है, सेम क्या है, वेट है इनका, और 100 ग्राम क्या दे रखा है इनका, मास दे रखा है, और डिफरेंट सोल्वेंट है तो मोलिकुलर वेट तो आप यहां काम ही नहीं लेते हो, इसका मतलब मोलिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो डेल्टा टी बी, तो यह क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू मोलिलिटी, और डेल्टा टी बी बी का क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू मोलिलिटी, ये के बी ए का है और ये के बी बी का है, आई दोनों के लिए सेम है, मोलिलिटी भी दोनों की क्या आएगी, सेम होएगी क्योंकि वेट भी सेम दे रखा है, नॉन वोलेटाइल है तो उनका मोलिकुलर वेट सेम होगा, और जो सोलवेंट दे रखा है उनका 100 ग्राम दे रखा है तो वो भी सेम है, तो के बी ए कितना है, इनका रेशियो दे रखा है 1:5। तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए और बी का रेशियो क्या होगा, 1:5, तो इसको आप 1:5, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर 1.5 bar। तो देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, अंडर वाटर एक बबल है तो उसका टेम्परेचर दे रखा है आपको 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना दे रखा है आपको 1.5 bar। तो टेम्परेचर को आप इसको T1 ले लो, इसको P1 ले लो, दो कंडीशंस आएंगी इसके अंदर। इफ द बबल्स राइज टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, अगर वो सरफेस पे आता है, पहले तो क्या है अंदर है, उस केस में ये कंडीशंस है, जब वो चल के सरफेस पे आएगा तब क्या होगा, टेम्परेचर जो दे रखा है वो तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना हो जाएगा 1 bar। तो उस जो बबल्स है उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज होगा जब वो सरफेस पे आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम मैं V1 क्या ले लेता हूँ, V, और V2 मुझे कैलकुलेट करना है, चेंज का पता लग जाएगा कितने कोफिशिएंट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आइडल गैस इक्वेशन P1V1 इक्वल टू NRT1, ए कंडीशन तो ये होगी, सेकंड P2V2 इक्वल टू NRT2, NR दोनों में क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों से डिवाइड कर दो आप, तो P1 की वैल्यू कितनी है 1.5,
वॉल्यूम कितना है V, T1 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस थोड़ी लिखोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो आप, तो 273 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 288। अब नीचे आप क्या करोगे, P2 कितना 1, V2 आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू T2 25 डिग्री सेल्सियस, 273 में आप क्या करो 25 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन, इससे V2 आ जाएगा, और तो V2 क्या होगा 298 इनटू 1.5 V अपॉन 288। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5 से तो ज़्यादा आएगी, तो ऑप्शन आप जब देखोगे तो वॉल्यूम विल बिकम्स स्मॉलर बाय ए फैक्टर ऑफ 0.70, एक से ज़्यादा होगी, पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरे में क्या है 0.25 से बता रहा है, थर्ड में क्या है वॉल्यूम विल बिकम्स ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ 1.6, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है वॉल्यूम विल बिकम्स ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ 1.1, ये भी क्या होगा गलत होगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हो गया 29, डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स बाय द गेस जेड, जेड क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, तो इसमें देखो क्या है गैसों के अणु में प्रबल प्रतिकर्षण बल, ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए और बी दोनों क्या है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है, ए और बी दोनों क्या है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है, ए क्या है गैस के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिस गैस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो गैस क्या होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का ए ज्यादा होगा और गैस आसानी से एक दूसरे को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपको क्या दे रखा है इसमें प्रबल प्रतिकर्षण बल की एक कंडीशन है, उस केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर जेड की वैल्यू क्या होगी, तो देखो वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, तो पी ये वैल्यू क्या होगी जीरो, वी माइनस का एन बी इक्वल टू आर टी, एन आर टी कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो पी वी माइनस का पी एन बी इक्वल टू एन आर टी, उसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी माइनस का माइनस माइनस क्या उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पी एन बी, अब क्या करो आर टी से डिवाइड कर दो, तो आप क्या करो एक मोल के ले लो, एक मोल के ले लोगे तो ये एन क्या हो जाएगा यहां से गायब हो जाएगा, तो एक मोल के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, अब आर टी से डिवाइड कर दो तो इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो, इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो और इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, देखो जेड बराबर क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड बराबर होता है पी बी अपॉन एन आर टी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे आप वन मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी, तो यहाँ पी वी अपॉन आर टी की जगह जेड पुट कर दो, आर टी से आर टी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी अपॉन आर टी, बी वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, और जिस गैस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके लिए बी की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो जेड की वैल्यू क्या होगी एक से ज्यादा होगी। तो देखो आप डिपेंड ऑन जेड, जेड पे डिपेंड करेगा एंड इंडिकेटेड बाय जेड बराबर वन, जब जेड बराबर वन होगा तब गैस किसकी तरह बिहेव करेगी आइडल गैस की तरह बिहेव करेगी।
सेकेंड डिपेंड ऑन जेड एंड इंडिकेटेड बाई जेड ग्रेटर देन वन, तो जेड की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही थी, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन गलत हो गया, डिपेंड ऑन जेड इंडिकेटेड बाई जेड की वैल्यू एक से कम, ये भी क्या हो गया गलत, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ये भी क्या हो गया गलत, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एयर सेवन बिलो, स्थिर दाब पर आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन तापमान ग्राफ नीचे प्रदर्शित किया गया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, एक लाइन खेच दो, आप ये लाइन खेचती, इस लाइन पे क्या होगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, और एक लाइन नीचे की तरफ ड्रा कर दो जहां पे क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा टेम्परेचर T1 होगा, सॉरी यहां पे क्या होगा टेम्परेचर T1, सॉरी यहां पे टेम्परेचर T2 और यहां पे टेम्परेचर T3, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा T के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और जिस गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये सबसे पहले काम क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर तीन नीचे की और लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, वहां से आपको टेम्परेचर का आइडिया लग जाएगा कि P1 जो प्रेशर है उस पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या है T3, फिर T2 टेम्परेचर पे प्रेशर P3 ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया P1, फिर P3 और फिर क्या होगा P2, सबसे कम जो प्रेशर होगा वो किसका होगा P2 का, क्योंकि इस प्रेशर पे टेम्परेचर T1 क्या है वो सबसे कम है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, P1 देन P3 और देन P2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका ग्राफ देख लो आप, क्या पहला ग्राफ हो सकता है नहीं, क्या होगा हाइपरबोला आएगा, तो पहला गलत हो गया, दूसरा दूसरा सही है, पी वी बराबर क्या हो गया, पी वी बराबर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो पी वी क्या है कॉन्स्टेंट, इसमें पी वी क्या है कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर वेरी कर रहे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, ये भी पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, तो सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही होंगे, फोर्थ ये तो वैसे ही दिखने में गलत लग रहा है आपको, तो 31 का सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेशर पी वर्सेस डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में आपको कर्व दे रखा है आइडियल गैस टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे, ये अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 है, तो आपको पूछा क्या है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट T1 और T2, यानी कि T1 और T2 के बीच में आपको क्या रिलेशन निकालना है, तो देखो आइडियल गैस क्या होती है पीवी बराबर एन आर टी, इसको आप नीचे लिखे जाओ तो पी बराबर क्या हो जाएगा एन अपॉन वी आर टी, एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल, पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, वी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, तो एन को आप क्या लिख सकते हो डब्ल्यू अपॉन एम, तो पी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी इंटू एम इंटू आर टी, तो ये क्या हो जाएगी डेंसिटी हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ पी एम को उधर लेके जाओ तो पी एम बराबर क्या हो जाएगा डी आर टी। अब जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन पे क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इस पे डेंसिटी डी वन है और इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या है डी टू, तो सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस पे डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो D2 ज्यादा होगा किससे D1 से, तो देखो गैस है तो उसका मास बराबर होगा, प्रेशर भी क्या होगा इस लाइन पे सेम होगा, इट मींस जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, तो देखो इस गैस की डेंसिटी क्या है ज्यादा है, D2 ज्यादा है तो उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, तो T2 कम होगा और T1 क्या है ज्यादा होगा, तो T1 ग्रेटर देन T2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखो, तीन वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तो कई टाइप की होती है लेकिन मोस्टली कितनी देर की है आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में तीन ही, द रेशियो अमंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। वी एम पी क्या होगा, रूट टू आर टी अपॉन एम। फिस्ट है मीन वेलोसिटी, वी वी एवरेज, ये क्या होती है एट आर टी अपॉन पाई एम। थर्ड है पी आर एम एस, ये क्या होगी रूट थ्री आर टी अपॉन एम। इनका रेशियो आपसे पूछा है कि इन तीनों की इसका रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो निकाल लो आप, वी एम पी रेशियो वी एवरेज रेशियो वी आर एम एस, तो ये क्या होगा, देखो इसमें कॉमन क्या है, आर टी अपॉन एम कॉमन है, तो रेशियो क्या होगा, वी एम पी कितना होगा रूट टू रेशियो, ये क्या होगा रूट एट अपॉन पाई, और वी आर एम एस क्या हो गया रूट थ्री, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वी एम पी और वी एवरेज, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो इसको ऊपर पुट कर दो, वी एम पी अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू रूट टू ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, आर टी से आर टी अपॉन एम तो कैंसिल आउट है, नीचे आएगा रूट एट इंटू रूट पाई, और रूट एट को आप क्या लिख सकते हो टू रूट टू, इसको आप क्या लिख सकते हो टू रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट, तो रूट पाई बाई टू, तो रूट पाई बाई टू कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डेविएशन मोर इन द बिहेवियर ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ये आइडियल गैस है और ये रियल गैस, देखो आइडियल गैस क्या होती है, इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आइडियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, नो अट्रैक्शन फोर्स, यानी नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सेकेंड चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है, जबकि इसमें क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू द कंटेनर, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो आइडियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इट मींस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर रहेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो उस केस में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर कब कब रह सकते हैं, जब आप टेम्परेचर ज्यादा पुट करोगे तभी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कोई भी गैस अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो उस केस में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, इसके अपोजिट
सिचुएशन होंगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगी, पास पास होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा जो तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो कोई भी गैस अगर रियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो उस केस में वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। हाँ, तो देखो गैस के व्यवहार में आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी से अधिक विचलित होती, यानी आइडल गैस इक्वेशन है उसमें डेविएशन बता रहा। तो डेविएशन किस केस में होगा, जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो और वॉल्यूम बहुत ही कम हो और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है, एट हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अगर रियल आइडियल गैस में डेविएशन चाहते हो। एंड लो प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखो, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो देखो टेम्परेचर भी लो है और प्रेशर क्या है, हाई, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक लो, एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कम, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है लेकिन प्रेशर क्या है, फोर्थ ऑप्शन में लो है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो देखो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो इसको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 फॉर रियल गैस वैन डर वाल इक्वेशन इज रिटन एज पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का एन बी इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। ए और बी दो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है जिनके दो सेट दे रखे हैं। पहले सेट में क्या है, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड सेट में क्या है, CH4, O2 एंड H2। द गैस इज गिवन इन सेट फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। जो सेट फर्स्ट है उसको आपको, जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फुट करना है, और सेट सेकेंड है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, यानी वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए और बी का मीनिंग क्या है। देखो जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो गैस इजीली क्या होगी, लिक्विफाई होगी, इजीली लिक्विफाई होगी, ठीक है। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, यानी जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके लिए वैन डर वाल गैस कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एट ए अपॉन 27 RB, यानी जिस गैस का ए ज़्यादा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो ऑप्शन और बी, बी को अपन अभी देख लेते हैं। बी क्या करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस एरिया, इन दोनों चीज़ों पे वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो सेट जो फर्स्ट है, ऑक्सीजन है, CO2 है, H2 है और हीलियम है। तो देखो वैसे तो इनके सबके डाटा होते हैं वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए के और वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी के प्रत्येक गैस के लिए, लेकिन अपन यहाँ पे लगभग बताते हैं। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इस गैस के लिए वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन सेट फर्स्ट के लिए आपको बी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, तो बी का पता होना चाहिए। तो CO2 गैस का जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया और साइज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, तो ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद के अंदर क्या होगा, जो बी है उसका तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया, अपने को ए का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है जो सेट सेकंड है। तो देखो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स और क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर जिस केस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस केस के लिए वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो CH4 है तो CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा।
अगेन बाद में O2 और सबसे कम H2। तो देखो इन सब गैसों के लिए A और B वैन डेर वाल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका अपने को आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और साइज ऑफ मोलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की किस में संभावना है, यानी कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा डेविएटेड शो करती है। तो डेविएशन किस गैस का ज़्यादा होगा जिसका वैन डेर वाल कांस्टेंट ए सबसे ज़्यादा होगा। वैन डेर वाल कांस्टेंट ए उस गैस का ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो किस गैस का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, अमोनिया का। तो अमोनिया गैस सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगी। नेक्स्ट, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर रियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो वैन डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का बी इज इक्वल टू आर टी। ये एक मोल गैस के लिए वैन डेर वाल गैस इक्वेशन है हाई प्रेशर पे। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर इज वेरी हाई, then A upon V square is negligible compared to pressure. यानी प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, P, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या होगी, प्रेशर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी। तो P अगेन V माइनस B इज इक्वल टू आर टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी वी माइनस का पी बी इज इक्वल टू आर टी। पी वी को उधर लेके जाओगे तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस आर टी। अब आपको इसको वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट को आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड बनाना है। तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी अपॉन आर टी। अब आर टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो पी वी अपॉन आर टी, इधर भी आर टी और इधर भी आर टी को आर टी से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वन। और इसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, वन प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो यहाँ देखो जेड की वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी और जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, वन प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो हाई प्रेशर पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है वो एक से ज्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द गैस विच द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिसके ऊपर आप प्रेशर लगा के गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसे उस गैस का क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो टी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एट ए अपॉन 27 आर बी। तो जिस गैस का वैन डेर वाल कांस्टेंट ए ज़्यादा होगा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो देखो इन चारों गैसों में से किस गैस का वैन डेर वाल कांस्टेंट ए ज़्यादा होगा, तो CO2 गैस का वैन डेर वाल कांस्टेंट ए ज़्यादा होगा और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर वैन डेर वाल कांस्टेंट फॉर गैस, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन एथेन बिकॉज। तो देखो इस पॉइंट को आप देखो, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाई देन एथेन। तो जिस गैस का वैन डेर वाल कांस्टेंट ए ज़्यादा होता है उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और उस गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, उस गैस को क्या कर सकते हो, आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। तो क्लोरीन गैस है वो एथेन के कंपेरेटिवली इजीली लिक्विफाई होती है। तो क्लोरीन गैस का जो ए है, क्लोरीन गैस का जो ए है वो ज़्यादा होगा किससे, एथेन से। इट मीन्स क्लोरीन गैस के ए का जो वैल्यू है वो एथेन गैस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो बी वैन डेर वाल कांस्टेंट बी है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ
मॉलिक्यूल्स। तो देखो एथेन और क्लोरीन में किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है एथेन गैस का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा किससे, क्लोरीन से। तो देखो इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है और क्लोरीन का सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, एथेन के सीएल टू से, और ए की वैल्यू सीएल टू की ज्यादा होगी एथेन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 41, ए गैस इज फाउंड टू हैव ए फॉर्मूला COX, इट्स वेपर डेंसिटी 70, देन वैल्यू ऑफ x। काफी सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू आपको निकालनी है कि CO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो वेपर डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, 70, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2 इंटू 70 कितना हो गया, 140 हो गया। अब देखो एक CO मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक CO मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 28। तो देखो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है 140 अपॉन 28, तो ये लगभग कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ CO एटम कितने हैं, 5, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच गैस हैज द लीस्ट सोलिबिलिटी, कौन सी गैस की सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। तो देखो ग्राफ किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, चार गैस हैं ए बी सी और डी। तो देखो कौन सी गैस सोलिबिलिटी को सबसे पहले अप्रोच करेगी, तो देखो गैस जो डी है वो सोलिबिलिटी को सबसे पहले अप्रोच करेगी, तो गैस डी की सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि गैस ए है वो सबसे लास्ट में सोलिबिलिटी को अप्रोच करेगी, तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो गैस ए की सोलिबिलिटी सबसे कम होगी, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अमोनिया एंड ए बोतल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड, द वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म विल बी, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लेते, एक बोतल में अमोनिया है और एक दूसरी बोतल में हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, को एक लंबी नली जिसके दोनों सिरे खुले से जोड़ा जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद वले सर्वप्रथम कहाँ पे प्राप्त होगा। तो आपको ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो इसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एम, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, रूट एम की। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, सबसे कम होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्यूब दे रखी है, उसके एक साइड से अमोनिया गैस पास की जाती है और दूसरी साइड से HCl गैस पास की जाती है। तो बताओ बच्चों मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 17, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36.5। तो आपने देखा होगा जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। तो देखो HCl गैस का अमोनिया गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, तो इस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। तो अमोनिया गैस ज्यादा तेजी से फ्लो होगी और HCl गैस स्लोली क्या होगी, फ्लो होगी। अब देखो अपन ऑप्शन देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के सेंटर में थोड़ी मिलेंगी, सेंटर में तो तब मिलती जब अमोनिया और इधर कोई दूसरी गैस होती उनका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग गया, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की जो बोतल है उसके पास क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज ओबे बाय रियल गैस, फॉर एन मोल ऑफ ए रियल गैस द एक्सप्रेशन विल बी, देखो बेटा ये क्या है, इन्फॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है, वंडरवाल गैस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रूव करने के लिए तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का एन बी इक्वल टू एन आर टी। देखो आपको पता होना चाहिए कि वांडरवाल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन फैक्टर हुए थे, एक तो प्रेशर
करेक्शन फैक्टर और दूसरा क्या हुआ था, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। जबकि आपको तो सीधी क्या है, ये इक्वेशन याद रखनी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये आईआईटी जेई में आया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो, फॉर वन मोल ऑफ ए वंडरवाल गैस व्हेन बी इक्वल टू जीरो, बी क्या वंडरवाल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। द पीवी वर्सेस वन अपॉन वी प्लॉट इज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ द वंडरवाल कांस्टेंट ए, यानी ए वंडरवाल कांस्टेंट की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो हिंदी में और पढ़ लो, जब बी बराबर जीरो है और टी बराबर 300 केल्विन है, तब एक मोल वंडरवाल गैस के लिए पीवी वर्सेज वन पॉइंट वी के बीच में रेखा चित्र नीचे दिया गया है, वंडरवाल ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था कि वंडरवाल गैस इक्वेशन एक मोल के लिए क्या होगी, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का बी, ये एक मोल के लिए इक्वल टू क्या है, आर टी। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, यानी कि बी की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो आप भी इसमें बी की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो B की वैल्यू जैसे जीरो पुट करोगे, तो यहां से सिर्फ आपको V से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। तो V से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी प्लस ए अपॉन वी, वी से वी कैंसिल आउट हो जाए तो एक V बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। पी वी इक्वल टू, इसको आपको इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ देखो किसके बीच में प्लॉट करवाया आपसे, पी वी और वन अपॉन वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाया है। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी तो क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट हो गया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, वन पॉइंट वी ले रखा है। तो इसका स्लोप एम किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, और ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो स्लोप कैसे निकालोगे, तो इसका स्लोप यहां से निकाल सकते हो आप, तो इसका स्लोप जो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और इसका स्लोप ए इक्वल टू क्या होगा, 21.6 माइनस का 20.1 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन है वैल्यू, 1.5 अपॉन वन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। तो स्लोप ए जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आ गया बच्चों। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे, लॉन्चर नंबर 10। थैंक यू सो मच।